दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम देखने के बाद बहुत सारे फैंस ये सोच रहे हैं कि उन्हें एवेंजर्स 5 कब देखने को मिलेगी। और हाल ही में अभी मार्वल स्टूडियोज ने अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 का सारा स्लेट रिवील कर दिया, जिसमें मार्वल के पास 10 प्रोजेक्ट है अगले 24 महीने के लिए, यानी कि अगले 2 साल के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्वल ने एवेंजर्स 5 का जिक्र क्यों नहीं किया। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही केविन फैगी ने मार्वल फेज 4 स्लेट रिवील किया, उसके बाद उनका एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में उनसे एवेंजर्स 5 के बारे में पूछा कि एवेंजर्स 5 का क्या प्लान है, तो केविन फैगी ने इस पे कुछ खुल के नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि एवेंजर्स 5 की प्लानिंग चल रही है, यानी एवेंजर्स 5 मूवी भी डेवलपमेंट में है। और यहाँ पे जब टीम्स के बारे में पूछा गया कि एवेंजर्स 5 में कौन कौन सी टीम रहेगी, तो केविन फैगी ने कहा कि एवेंजर्स 5 बाकी जितनी भी एवेंजर्स मूवी थी, चाहे बात करें हम लोग एवेंजर्स पार्ट 1 की, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, या क्या एवेंजर्स एंड गेम की, इन सब से एकदम अलग होगी, इसका कॉन्सेप्ट एकदम अलग होगा। और साथ ही साथ केविन फैगी ने यह भी रिवील किया कि जो एवेंजर्स 5 हम लोग देखेंगे, उसमें से कुछ सुपर हीरोज को तो हम लोग जानते होंगे, यानी हम लोग उन्हें पहले भी मूवीज में देख लिए होंगे, लेकिन कुछ सुपर हीरोज ऐसे होंगे जिनको हम लोग पहली बार देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक हिंट लेते हैं, यहाँ पे हॉकाई की टीवी सीरीज आ रही है, और यहाँ पे जब हॉकाई की टीवी सीरीज का छोटा सा टीजर दिखाया गया था, तो यहाँ पे हम लोग केट बिशप की इमेज को भी देख सकते थे, यानी एवेंजर्स 5 में हमें केट बिशप भी दिखाई दे सकती है। और दूसरा हिंट लेते हैं, यहाँ पे जो थॉर 4 मूवी है, थॉर लव एंड थंडर, इसमें हम लोग जेन फॉस्टर को देख सकते हैं फीमेल थॉर बनते हुए, यानी एवेंजर्स 5 में फीमेल थॉर भी होगी। इसके अलावा गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, कैप्टन मार्वल 2, ब्लैक पैंथर 2, ये सब तो कंफर्म है, यानी ये सब भी पार्ट हो सकते हैं एवेंजर्स 5 का। और साथ ही साथ नए सुपर हीरोज में हमें देखने को मिल सकता है शैंगची, और उसके अलावा सैम विल्सन और बकी बांस तो रहेंगे। और उससे भी बड़ी हिंट ये हो सकती है कि हो सकता है फैंटास्टिक 4 भी कुछ समय के लिए एवेंजर्स 5 में आ जाए, अगर केविन फैगी के अकॉर्डिंग सब कुछ टाइम टू टाइम चलता रहा, यानी फैंटास्टिक 4 पहले इंट्रोड्यूस हो गए और करंट टाइमलाइन में इंट्रोड्यूस हो गए, तो एवेंजर्स 5 में हमें फैंटास्टिक 4 भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ये एक तरह का बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि एवेंजर्स 5 अगर दिखानी है ऑडियंस को, तो पहले नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि पहले के फेजेस में हुआ है, फेज 1 की बात करें, फेज 2 की बात करें, फेज 3 की बात करें, सब में पहले इनिशियल में सुपर हीरोज को दिखाया गया, फिर एक मेजर टीम बनी, एक बड़ी टीम बनी। वैसे ही अगर नए सुपर हीरोज को एवेंजर्स 5 में लाना है, तो डायरेक्ट एवेंजर्स 5 का टाइटल रिवील नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये मल्टीवर्स भी है, और यहाँ पे स्क्रल्स भी है, और यहाँ पे नए सुपर हीरोज भी, तो एवेंजर्स 5 एक बहुत बड़ी सुपर हीरो मूवी बनेगी। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट एवेंजर्स 5 को लेकर, और उम्मीद की जा रही कि एवेंजर्स 5 का एक मेजर और ऑफिशियल अपडेट केविन फैगी की तरफ से दूसरी बार हम लोग को फिर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट देखना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।